हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। दोस्तों आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो दोस्तों फाइनली आज की सीरीज में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से सुन भी लेते हैं तो अगर दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछा गया तो आप आराम से कुछ ना कुछ वहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेगा, एक एक प्रश्न को देखेगा। एक बार दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि दोस्तों वो भी जो है इस वीडियो का लुत्फ उठा पाए। क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में कारगर साबित होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो करेंगे ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि तुरंत आंसर देने का या फिर सोचने का, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इससे क्या होगा इसकी वीडियो खत्म होने के बाद जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज दोस्तों आपके दिमाग में बैठी रहेगी, और जब आपका एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा आप आसानी से इन सभी प्रश्न के जवाब को लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है कि कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के क्या मुख्य कारण थे। आपको पता है, वैसे मैं आपको आंसर भी बताऊंगा जैसे लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखने का हम लोग दोस्तों दो तीन बात जानते हैं। सबसे पहले कि दोस्तों देश को जो आजादी दिलाने की जो यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं कि देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा जो पार्टी है उस समय वो कांग्रेस पार्टी थी, और सबसे ज्यादा जो बड़ा हाथ है वो कांग्रेस पार्टी का है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू थे और भी बड़े बड़े नेता थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो उदय का कारण है वो जवाहरलाल नेहरू है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, एक ये है, ठीक है। ये दो तीन रीजन है, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर पतन के कारण हम लोग जानते हैं कि 67 के चुनाव में जो है इंदिरा गांधी वो तो लोकसभा के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री तो बन गई थी, लेकिन दोस्तों कई सिर्फ लोकसभा के चुनाव जो है वो जीते थे, लेकिन राज्यसभा जितने भी चुनाव हुए थे उसमें वो हार गए थे। यानी कि यूं कहे तो बहुत सारे राज्य में जो है उसकी सरकार नहीं थी। तो ये पतन के कारण क्या थे, सबसे पहला तो वो तो नेहरू जी जैसा कोई बड़े नेता नहीं थे, दूसरा बड़े बड़े नेता जो पार्टी को छोड़ दिया था। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो 1947 से लेकर के 1967 तक, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि कांग्रेस पार्टी के उदय और पतन के क्या मुख्य कारण है, ठीक है। देखिए 1947 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस पार्टी एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा था। आपको पता है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब तक जो है कांग्रेस पार्टी का यानी कि एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा था, तो दोस्तों 1967 तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुदलीय क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है अमेरिका में जो है टोटल दो पार्टी है, ठीक है, उसी तरीके दोस्तों ब्रिटेन में दो पार्टी है, चाइना रूस में एक पार्टी है, तो उसी तरीके दोस्तों भारत में कई पार्टी है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और भी आप बहुत सारी पार्टी है, जो कि आपको पता भी होगा बहुत सारी पार्टी नई नई पार्टी बनी है जो कि नेशनल लेवल में जा रही है। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि 1967 से पहले भारत में जो है 1967 से पहले क्या था, एक दलीय प्रभुत्व कायम था, लेकिन आपको मालूम है जैसे ही इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल के लागू यानी कि आपातकाल की घोषणा किया, उसके बाद दोस्तों जो विपक्ष में पार्टी थी जनता पार्टी उसकी जीत हुई, और उस समय से दोस्तों द्विदल यानी कि उस समय जो है द्विदल, उसके बाद फिर दोस्तों बहुदल क्यों, क्योंकि अभी जो है दोस्तों बहुत सारी पार्टी है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में अभी कौन सी व्यवस्था है, तो दोस्तों वो है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन था कि कांग्रेस पार्टी के उदय के और पतन के क्या कारण है, आपका यहाँ पर आंसर है कि 1947 से लेकर के 1967 तक, आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप 100% है कि कुछ ना कुछ वहां पर एग्जाम में जरूर लुक हो गए। देखिए 1947 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस पार्टी जो है एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा, आप लोग जानते हैं इसके कई कारण थे। सबसे पहला, कांग्रेस पार्टी जो है भारत का सबसे पुरानी पार्टी थी। दूसरा, कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। तीसरा, कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी जैसा चमत्कारी नेतृत्व था, यानी कि नेहरू जी जैसा बड़े नेता था। चौथा, विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल थे। आपको मालूम है 1975 से पहले, आपको मैंने अभी बताया कि 1975 से पहले दोस्तों जो नेहरू जी की जो पार्टी थी वो बहुत बड़ी थी, और जो विपक्षी दल थे वो क्या थे, एक प्रकार का यूं कहें तो बहुत ही कमजोर थे, ठीक है। तो ये सभी कारण है किसके, कांग्रेस के उदय के कारण जो है ये सभी है। अब आप लोग देखते हैं पतन के, आपको पता है जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उसकी भी मृत्यु हो गई 1966 में, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1967 में, और 1967 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दो तीन बात हुई दोस्तों। सबसे पहले इंदिरा गांधी को कहा गया कि इसके अंदर समझ नहीं है, यानी कि ये जो है पार्टी को, ये जो है देश को नहीं चला पाएगी, इसके अंदर जो है एक प्रकार का यूं समझ सकते हैं कि ट्रेन किया हुआ नहीं है, ठीक है, ये जो है उस पर आरोप लगे। फिर दूसरा आरोप ये लगे कि दोस्तों बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा मिले, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नेता थे जो कि नया पार्टी को बना लिया। तो वहीं पर यहां पर कह रहा है कि परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। अब इनके पास नेहरू जी जैसा कोई भी चमत्कारी नेतृत्व तो नहीं था। कांग्रेस अनेक प्रांतीय नेताओं ने
पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी। तो ये दोस्तों आपके थे 1947 से लेकर के 67 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा और फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो ये थे आपके उदय के और पतन के कारण। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। हमने आपको बताया था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो या तो अली जिन्ना, अगर ऑप्शन में आपका है अली जिन्ना तो अली जिन्ना, या फिर मुस्लिम लीग, ठीक है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग लेके आया था, इसका जो विरोध है वो कौन कर रहा था दोस्तों, कांग्रेस कर रहा था। बस उसी बात को आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए द्विराज सिद्धांत सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, द्विराज सिद्धांत जो होता है वो दो समुदाय के, समुदाय मतलब आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो समुदाय मतलब हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो द्विराज सिद्धांत जो है दोस्तों वो दो समुदाय के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग देश बनाने को कहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। दोस्तों द्विराज सिद्धांत के आधार पर भारत को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, विभक्त कर दिया गया, एक आपका भारत और एक उसका पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, एक आपका भारत और एक उसका पाकिस्तान, ठीक है। जहां मुस्लिम लीग ने समर्थन किया वहीं पे दोस्तों कांग्रेस जो है इसका विरोध किया, लेकिन अंत में कांग्रेस जो है उसको मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करना पड़ा, मानना पड़ा, वो इसके लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि दोस्तों एक समय ऐसा आया था कि मुस्लिम लीग को जो है बहुत ज्यादा वोट मिला था, उसको मजबूरन यानी कि उस समय कांग्रेस पार्टी को इस बात को मानना पड़ा, ये द्विराज सिद्धांत की बात को मानना पड़ा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज कर देंगे, काफी मेहनत लगती है दोस्तों, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी इसके क्लास को आनंद उठा पाए दोस्तों, उसको भी कुछ जानकारी मिले, प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल जस्टिस। आखिर राजनीतिक न्याय से आप समझते हैं क्या, इसका विवरण दें, इसका परिभाषा लिखें, इसके बारे में संक्षिप्त में लिखें, क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है, यानी कि नागरिकों के बीच जो विभेद होती है उसकी समाप्ति करता है, कौन, ये राजनीतिक न्याय, ठीक है। और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि बिना भेदभाव के भाषण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचन में खड़ा होने की सुविधा मिलती है। तो ये आपका किसमें आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल में दे दिया गया। तो दोस्तों ये थी आपकी राजनीतिक न्याय क्षेत्र, क्या थी, राजनीतिक न्याय, यही थी आपकी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो भी आपका VBI क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपका VBI था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो भी आपका VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए। हमने आपको बताया था कि मंडल आयोग की जो शुरुआत है कि मंडल आयोग की जो दोस्तों स्थापना है वो जनता पार्टी ने की थी, कब की थी, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो 1979 में की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मंडल आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो जनता पार्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, तो वो की गई थी दोस्तों 1979 में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश का उल्लेख कीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 4 जो कि था मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करने के लिए। देखिए मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की, कौन कौन से सिफारिशें, सबसे पहला अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए, यानी कि जो अन्य पिछड़ी जाति थी, ठीक है, उसको किसमें, सरकारी सेवा में, सरकारी सर्विस में 27% तक आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा आपका क्या था कि पिछड़ी जाति को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना करे। तो टोटल आपका 3 था जो कि वो अपने रिपोर्ट में, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिशें की थी। पहला आपका क्या था कि जातियों को, जो अन्य पिछड़ी जाति, उसको 27% आरक्षण प्रदान की जाए। दूसरा आपका क्या था कि केंद्र सरकारों द्वारा, यानी कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जो शासित है, जो तकनीकी है, जो व्यवसायिक संस्था है, वहां पर दोस्तों जो पिछड़ी जाति है उसको 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा आपका था जो पिछड़ी जाति है वहां पर आर्थिक सहयोग देने के लिए एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना, एक अलग इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो कि था क्वेश्चन 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्शल योजना की व्याख्या करें। आपको हमने मार्शल योजना के बारे में कई बार बताया है कि दोस्तों मार्शल योजना जो था, क्योंकि आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों वो 1939 में शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 1939 में, और दोस्तों 1944-45 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसको खत्म होने के बाद जो यूरोप की स्थिति है दोस्तों बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो दोस्तों उसी समय अमेरिका ने सभी देशों की एक प्रकार का, यू कहे तो, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए मार्शल योजना की स्थापना किए थे। तो उसी के बारे में आपको पूछ रहा मार्शल योजना के बारे में। तो हम लोग आंसर को देखते हैं, सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य
सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बना रहे थे। यानी कि यूरोप मतलब एक यूरोप महादेश है, उसके अंदर कई देश है। तो अमेरिका जो है कब 1947 में, ध्यान रखिएगा कब 1947 में, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो सन 1947 में अमेरिका राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की एक प्लान बनाई थी, योजना बनाई थी, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की जा सके। यानी कि युद्ध से जितने भी नुकसान हुआ था उसको क्षतिपूर्ति जो हुआ था, जो क्षति हुआ था उसकी भरपाई की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ में मिल जाते, ठीक है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अमेरिका अगर ऐसा नहीं करता तो, क्योंकि आप जानते हैं 1947 के बाद दो ध्रुवीय था, एक आपका पूंजीवादी था, एक आपका साम्यवादी था, और दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो जितने भी यूरोप कंट्री है वो किसके पास चले जाते, सोवियत संघ के पास चले जाते, ठीक है। पश्चिमी यूरोप के देश इससे आत्मरक्षा में समर्थन हो गए थे, ठीक है। तो ये आपका था कुछ मार्शल योजना, जो कि आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, बस इसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या थी, ये शॉक थेरेपी आखिर क्या की, मतलब कि ये शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। मैंने आपको वैसे पहले भी पढ़ाया है, लेकिन यहां पर देखिए, देखिए शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर, यानी कि पहले आपको चोट पहुंचाया फिर उसका इलाज किया, ये है आपका शॉक थेरेपी, समझ गए। शॉक थेरेपी दोस्तों साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल अपनाया, पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल को अपनाया था कौन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा जाता, रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी जो मॉडल था उसको अपनाया, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है। तो आपको मालूम है पूंजीवादी मॉडल क्या था, यानी कि जो पूंजीवादी मॉडल था दोस्तों, जो खुद का प्रॉपर्टी, जो आपका प्रॉपर्टी है उसका मालिक आप खुद है, निजी मतलब प्राइवेट अपना खुद का, उसको बोलते पूंजीवादी, और एक हो गया पब्लिक सेक्टर, उसको बोलते साम्यवादी, जैसे कि उसका कंट्रोल जो है वो सरकार के अंडर में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, साम्यवादी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके 7 क्या था, कि आसियान क्या है, हमने आपको आसियान के बारे में कई बार बताया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि आसियान में नहीं है, पूछा जाता है, और आप लोग को आना भी चाहिए क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब समझते हैं दोस्तों आसियान है क्या। सबसे पहला पॉइंट, आसियान का गठन जो है वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका बनता है कि आसियान का जो गठन है वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसमें इसके में दोस्तों टोटल 5 संस्थापक सदस्य देश थे, टोटल 5 संस्थापक, यानी कि जो स्थापना के समय टोटल 5 देश थे, एक आपका इंडोनेशिया थे, एक आपका मलेशिया थे, थाईलैंड थे, फिलीपींस थे और सिंगापुर थे, ठीक है। तो ये सभी देश का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। आसियान आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था, यानी कि आसियान के, आसियान जो उससे क्या था, यानी कि मकसद क्या था आसियान की स्थापना करने का, इससे दोस्तों विकास को, यानी कि डेवलपमेंट को, डेवलप को एक प्रकार का तेज करने और उसी के माध्यम से एक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास प्राप्त करना था, इसी के माध्यम से यही उद्देश्य था। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है, क्या क्या, एक आपका पूर्व एशियाई के, ध्यान दीजिएगा पूर्व एशियाई जो देश है उसके एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। तो आसियान के बारे में आपको यही लिखना है कि गठन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था, बैंकॉक के द्वारा होता, ठीक है। इस तरह के आपको 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, फिर आप कुछ ना कुछ लिख दोगे। एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पूरे आपको दोस्तों पूरा सबसे पहले क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। जितना जल्दी हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का भी बहुत सारा तरीका होता है, थोड़ी सी मेरी बात आप यहाँ पर सुन लेंगे तो आपको दोस्तों बहुत कहीं ना कहीं आपकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन बनाए टोटल, जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस में 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन आप बनाएंगे, 10 क्वेश्चन बनाने के बाद उन 10 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में भरेंगे, फिर आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आप 10 क्वेश्चन को ओएमआर शीट में भरेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक को बनाते हैं फिर भरते हैं, फिर बनाते हैं फिर भरते हैं, इससे भी आपका टाइम वेस्ट होगा। और कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 से 50 तक पहले बना लेता है, उसके बाद फिर जो है ओएमआर शीट में भरता है, इससे आपको दिक्कत है दोस्तों। मान लेते हैं अगर आप कहीं ना कहीं लेट कर गए तो आपका कॉपी छीन ली जाएगी, फिर आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। तो प्लीज आप लोग यही ट्राई करना कि पहले 10 क्वेश्चन बनाएं फिर ओएमआर शीट भरें, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव करने के बाद फिर सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप
जैसे कि ये सभी दो नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर दो नंबर का प्रश्न को आप लिखेंगे तो दोस्तों दो पेज एक पेज भर जाता है, वहीं पे अगर पांच नंबर का दोस्तों क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी एक पेज दो पेज भरता है, ठीक है। तो पहले आप कोशिश ये करेंगे कि जितने भी पांच नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जो दीर्घ प्रश्न है उसको बना लीजिए, ठीक है। उसको बना लेने के बाद आपको दो दो पेज करके एक एक क्वेश्चन को बनाना है वो वाला, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम देखेंगे कि टाइम है या नहीं है। अगर मान लेते आपके पास टाइम कम है तो जितने भी क्वेश्चन बनाना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु में, फटाफट सभी को बना लीजिए। आपको कम से कम एक नंबर तो 100% देगा, अगर दो नंबर का प्रश्न है तो आपको वहां पर एक नंबर जरूर देगा। तो प्लीज आप याद रखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को पहले 10 बना के ओमर में भरना है, फिर दूसरा सब्जेक्टिव को, लॉन्ग को बनाना है, फिर शॉर्ट को। आप अपने भाई, जो भी बड़े भाई या फिर आपके सिस्टर दीदी जो भी है उसको भी पूछ सकते हैं, आपको ये तरीका बेस्ट बताएगा, या फिर सबसे अच्छा आप टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या तात्पर्य है, यानी कि ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आप लोग सुनते होंगे, इससे आखिर क्या तात्पर्य है। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे जैसे कोरोना वगैरह आया था, वैक्सीन वगैरह आया था, तो हमेशा WHO से कुछ ना कुछ जो है सुरक्षा को लेकर के कुछ ना कुछ बोली जाती थी। तो आखिर ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या दोस्तों। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज कर देंगे, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। और रोज हम लोग 7 बजे लाइव आते हैं, ये बात आप लोग को पता ही है, 8:30 बजे भी लाइव आते हैं, ये भी बात आप लोग को पता है, फिर 6 बजे आपकी जो क्लास हो रही है ये भी क्लास होती है 6 बजे, ठीक है। तो इन सभी टाइम पे आपको जुड़ना है, 4 बजे भी होती है, सुबह 8 बजे होती है, इन सभी टाइम पे जुड़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है। तो चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आपको मालूम है विश्व, आपको पूछा जाएगा कि WHO की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो दोस्तों वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था, यानी कि पूरे दुनिया में स्वास्थ्य की समस्या के लिए, हेल्थ की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब? 7 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? जिनेवा में है। तो दो पॉइंट याद रखेंगे, सबसे पहला इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, कहां पर हुई थी, इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो जिनेवा में हुई थी, ठीक है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो आप चाहे तो 2-3 लाइन और लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गरीब देश है जिसके पास जो है दवाई, स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छी चीजें नहीं है, तो अच्छा इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की गई थी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 9। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें, यानी कि डिस्क्राइब UN जनरल असेंबली। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना, यानी कि शॉर्ट में इसके बारे में लिखें। किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, या फिर इसके बारे में लिखें, इसके बारे में विवेचना करें, इसके बारे में लिखें, ठीक है। तो देखिए विवरण दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य के 5 प्रतिनिधि महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत का अधिकार होता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। विशेष परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के सुझाव पर इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपका जो ये वाला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निशास्त्रीकरण क्या है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डिसआर्मेमेंट, ठीक है, व्हाट इज डिसआर्मेमेंट, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निशास्त्रीकरण क्या है। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, निशास्त्रीकरण से अर्थ है कि मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र। अब मानवता का संहार मतलब यानी कि कुछ ऐसे हथियार होते हैं जैसे कि परमाणु बम हो गया, उससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि आप हिरोशिमा और नागासाकी की बात करेंगे जापान में, जो दो जगह है जहां पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, तो वहां पर दोस्तों अभी भी नंगरे लूले बच्चे पैदा होते हैं। तो परमाणु बम का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है, अभी बेचारा जो नए पैदा होते हैं उसका क्या गलती है इसमें, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि निशस्त्रीकरण यानी कि मानवता का जो संहार होता है, जो एक प्रकार के युद्ध समझ सकते हो, जनता की जो नुकसानी होती है उसी को दोस्तों कम करने के लिए, ठीक है। तो निशस्त्रीकरण से अर्थ यही है कि मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र को त्यागना है। उदाहरण के लिए 1972 में जो जैविक हथियार संधि तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियारों को बनाना था, ऐसे हथियारों को बनाना तथा रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र के उत्पादन को समाप्त किया जाए, जो अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं उन्हें सभी राष्ट्र निश्चित समय में समाप्त कर दे, ठीक है। तो ये आपका है निशास्त्रीकरण, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन को किया, अब हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम है
पूछे जाते हैं। ये जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे प्रश्न इसमें कई बार पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग आंसर मतलब कि सुन लीजिएगा ना, तो 100% आप कुछ ना कुछ दे दोगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। और प्लीज इस वीडियो को कम से कम आप लोग को शेयर करना है, प्लीज लाइक करना दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफी मेहनत लगती है। वैसे तो सभी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा ज्यादा लगती है, तो प्लीज आप लोग शेयर करेंगे, ऐसा आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए अगला प्रश्न, कश्मीर समस्या पर टिप्पणी करें। आपको मालूम है कश्मीर के बारे में तो आप, मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट 2 से 3 पेज लिख देगा, क्या धारा 370 से रिलेटेड, पाकिस्तान हमेशा उस पर हमला करता है, उसको लेकर के क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे उसको विशेष अधिकार मिला हुआ है, क्या क्या दोस्तों उसको अधिकार है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अभी अपडेट हुआ नहीं है, तो धारा 370 से रिलेटेड आपको सब कुछ लिख देना है कश्मीर के बारे में। कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोस्तों टोटल 3 जगह है, एक आपका जम्मू, एक आपका कश्मीर, एक आपका लद्दाख। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, अल्पसंख्यक हिंदू होते हैं। उसके बाद अगर वहीं पे बात करें हम लोग, एक हो गया कश्मीर, एक हो गया लद्दाख, लद्दाख में दोस्तों ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, फिर बौद्ध रहते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरी इस कहानी को लिखेंगे कि कश्मीर समस्या, आजादी से पहले, आजादी के बाद क्या क्या हुआ, इन सभी चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे भी जाते हैं। देखिए स्वतंत्रता से पहले, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला, स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत थी। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर जो है वह ना भारत का था ना पाकिस्तान का, वो एक अपना अलग था। वहां का जो है राजा हरि सिंह, आपको पूछा भी गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, तो प्लीज ध्यान देंगे। देखिए स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत थी, भारत में लगभग 550 देशी रियासतें थी, जो कि आपको मालूम है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को यह छूट दी कि यह चाहे तो स्वतंत्र रहे, या पाकिस्तान के साथ हो जाए, या भारत के साथ मिल जाए। ये तीनों ऑप्शन दिया था भारत ने कश्मीर को, ये तीनों ऑप्शन दिया था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, क्योंकि आपको मालूम है जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो कौन थे, हरि सिंह थे। और आजादी के जस्ट 2 महीने के बाद पाकिस्तानी घुसपैठी जो है वो जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और जब हमला किया तो जम्मू कश्मीर के पास उतना ताकत था नहीं, तो वो भारत के पास आया मदद मांगने के लिए। और वही मदद के बदले दोस्तों यहाँ के जो सरकार थे, जो भारत की सरकार थे, उसने उससे कहा कि हम तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको एक चीज पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, भारत को हमारे साथ मिलाना पड़ेगा, और एक धारा बना जो कि है 370, क्योंकि राजा हरि सिंह ने कहा कि हम लोगों को कुछ स्वायत्तता चाहिए, कुछ हम लोगों को विशेष छूट चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले जम्मू कश्मीर एक देशी रियासत थी, भारत में लगभग 550 देशी रियासतें थी, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को यह छूट दी कि चाहे तो वो स्वतंत्र रहे, या पाकिस्तान के साथ मिल जाए, या फिर भारत के साथ मिल जाए। जम्मू कश्मीर के उस समय जो है राजा हरि सिंह क्या थे, स्वतंत्र रहने का ऐलान किया था, ठीक है। ना वे पाक के साथ, यानी कि ना वे पाकिस्तान के साथ थे, और ना ही भारत के साथ रहेंगे, ऐसा उनका कहना था। वे अकेला आजाद रहना, स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तब वहां के जो शासक थे उसने आक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया, आपने ये भी, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है। राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल करने की प्रार्थना की, जबकि ये यहाँ पर पॉइंट थोड़ा गलत दिखा है, राजा हरि सिंह ने नहीं, भारत सरकार ने उसको कहा था कि आपको जो है एक चीज पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल करने की प्रार्थना की, भारत सरकार ने प्रार्थना को स्वीकार किया, तथा 27 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा कब हस्ताक्षर किया था, 27 अक्टूबर 1947 को, जस्ट 2 महीने के बाद, यानी कि अगस्त आपका हुआ, 15 अगस्त को आजादी, और सितंबर गया, फिर अक्टूबर हुआ, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का मतलब मिलना, यानी कि अपने आप को जोड़ना, ठीक है, इस पर दोस्तों हस्ताक्षर किया। परंतु पाकिस्तान तथा जम्मू कश्मीर को एक वर्ग ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया, यानी कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का जो एक वर्ग था, एक समूह था, वो इस बात का स्वीकार नहीं किया, और भारत सरकार ने जनमत संग्रह का शर्त के साथ साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया। पाकिस्तान इस विलय मानने से इनकार करता रहा, और तभी से कश्मीर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। आज भी पाकिस्तान कश्मीर में कई प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसको भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर जो भारत का क्या है, एक अभिन्न अंग है, यानी कि एक प्रकार का समझ सकते हैं अभिन्न अंग के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको लिखना है कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर समस्या पर मुझे लगता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। क्वेश्चन क्या है कि कौन ऐसा कारण था जिससे कि चुनाव में मध्यावधि चुनाव, क्योंकि आपको मालूम है 1977 में जो है जनता पार्टी की विजय हुई थी, और उसी समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, और मोरारजी देसाई दोस्तों जस्ट 18 महीने प्रधानमंत्री बनने के बाद खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया था आपको मालूम है, टोटल दोस्तों 3 कैंडिडेट थे जनता पार्टी में जो कि प्रधानमंत्री बनने लायक था, लेकिन मोरारजी देसाई बने। उसके बाद
जो दूसरा प्रधानमंत्री है, इसकी पार्टी खत्म हो गई, तो दूसरा प्रधानमंत्री है वो कांग्रेस के साथ विलय करके, यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बना करके प्रधानमंत्री रहा। लेकिन फिर वो भी खत्म हो गया और फिर से 1980 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की विजय हुई, लेकिन 84 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो देखिए किन कारणों से 1980 में मध्यावधि में चुनाव करवाने पड़े, अब देखते हैं क्या क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 1977 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाए थे, आपको मालूम है, और उसका नारा क्या था, इंदिरा हटाओ। इस बार का 2022 का जो मॉडल पेपर आपका जारी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो 1977 के चुनाव में जितने भी विपक्षी पार्टी थे वो सभी एक महागठबंधन बनाया, यानी कि आपका एक सिंडिकेट मतलब जो कांग्रेस ओ था आपका, कांग्रेस ओ आपको पूछा, मैंने आपको कई बार बताया कि कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी और कांग्रेस ओ जो है वो इसमें क्या थे, सिंडिकेट थे। सिंडिकेट पूछा गया आपको, ठीक है, सिंडिकेट हो गया, जनता पार्टी हो गया और भी बहुत सारी पार्टी थे जो कि एक साथ मिलकर के एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा जनता पार्टी, और वो महागठबंधन बनाया, और वो महागठबंधन का एक मुख्य उद्देश्य था इंदिरा हटाओ। क्या था, इंदिरा हटाओ। चुनाव में दोस्तों महागठबंधन की विजय के बाद यानी कि जीतने के बाद नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए धमासान मची हुई थी, क्योंकि महागठबंधन की जीत हुई थी 1977 में, मैंने आपको अभी बताया। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री पद है उसके लिए घमासान मची हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार थे वो मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे और जगजीवन राम थे। मैंने आपको कहा तीन बड़े नेता, एक का नाम था मोरारजी देसाई, एक का नाम था चौधरी चरण सिंह और एक का नाम था जगजीवन राम। ठीक है, चुनाव में दोस्तों जीत हासिल करना एकमात्र लक्ष्य था उस समय, यानी कि जब चुनाव हो रहा था तो उस समय एकमात्र लक्ष्य यह था कि इंदिरा को हटाओ, यानी कि चुनाव सिर्फ जीतो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका कोई भी फिक्स कोई भी जो है फिक्स बात नहीं थी। ठीक है, तो चुनाव में जीत हासिल करना मात्र एक लक्ष्य था, परंतु सभी नेताओं के आपस में वैचारिक मतभेद और महत्वाकांक्षा के कारण गैर कांग्रेसी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने के बाद जस्ट 18 महीने में जनता पार्टी की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया और 1980 में मध्यावधि में चुनाव करवाने पड़े। तो ठीक है, आपने जैसे कि देखा, ठीक है, तो 1977 में अगर चुनाव हुआ था तो जस्ट 2 साल के बाद, यानी कि 18 महीने लगभग 2 साल हो ही जाता है, तो 1979 फिर कुछ महीने के लिए और दूसरे नेता बने थे, कांग्रेस जो है गठबंधन किया यानी कि समर्थन किया, फिर दोस्तों उसकी भी पार्टी जो है टूट गई। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको करवा रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और भी आगे करवाएं या फिर ये भी वीडियो को खत्म कर दे। अच्छा, एक काम करते दोस्तों, और एक दो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, क्योंकि क्या पता दोबारा मौका ना मिले। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवाए, कश्मीर समस्या ये भी आपका बीबीआई है, किन कारणों से ये भी आपका बीबीआई है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें। आपको तो पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ कब, किसने करवाया, कब हुआ, किस पर हमला हुआ था, आखिर इसको खाड़ी युद्ध की कहते हैं, बस इन सभी के बारे में डिटेल्स में आपको लिख देना है और आपको 5 नंबर आपके हाथ में, आपके झोली में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन दोस्तों आपका था प्रथम खाड़ी युद्ध। देखिए अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करा, आपको पता है कब, अगस्त 1990 में इराक जो है वो कुवैत पर आक्रमण किया, ठीक है, उस पर कब्जा करके खाड़ी क्षेत्र की शांति भंग की थी। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इराक से कुवैत को स्वतंत्र करने की अपील की, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थे वो क्या क्या, इराक को यानी कि इसको, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो वो इराक से कुवैत को जो है स्वतंत्र करने की, यानी कि इराक को कहा कि तुम जो है कुवैत को आजाद कर दो। ठीक है, कब, 1990 में इराक जो है कुवैत पर आक्रमण किया था, उसके बाद जो है यूएनओ ने यानी कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने भी थे वो इस बात को कहा, ठीक है, परंतु इराक को मनाने के सभी प्रयास विफल हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को आक्रमणकारी घोषित किया और बलपूर्वक मुक्त कराने का फैसला दिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहा इराक को कि आप जबरदस्ती कर रहे हो, यानी कि आप आक्रमणकारी घोषित कर दिया उसको, फिर उसके बाद उसके खिलाफ बल का प्रयोग किया, और यूएनओ के लिए यह एक नाटकीय घटना थी। यूएनओ के लिए क्या थी, एक नाटकीय घटना थी, जो शीत युद्ध के दौर के बाद संयुक्त राष्ट्र इराक के मसले पर आसानी से निर्णय ले पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम था जॉर्ज जी डब्ल्यू बुश ने इसे नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया। अब आगे देखिए, 34 देशों के लगभग 660,000 सैनिकों की एक विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध आक्रमण किया, कितने, लगभग 34 देश में टोटल 660,000 सैनिकों ने एक विशाल सेना ने, यानी कि एक विशाल सेना जो है इराक के विरुद्ध, इराक के खिलाफ आक्रमण किया, जिसमें से 75% जो है वो अमेरिकी सैनिक थे। इसे दोस्तों प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया, इसी को क्या कहा गया, प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसमें दोस्तों इराक की हार हुई। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्या, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध को
किस ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है, तो आपका क्या नाम होगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के रूप में इसे जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने इराक को बलपूर्वक कुवैत से बाहर निकाला। और संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ नाम का, ज्यादा पावर तो अमेरिका का आपको मालूम है, हमें हमेशा से अमेरिका का ज्यादा पावर चलता संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके कितना हो जाएंगे, अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, सार्स के बारे में, सार्क के बारे में, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय इसके उद्देश्य के बारे में पूछा गया और उसकी सफलता का विवेचना करें, इन दोनों के बारे में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्रों के बारे में जब भी आपको पूछे, यानी कि सार्क के बारे में आपको जब भी पूछे उद्देश्य के बारे में, तो आपको ये लिखना है सबसे पहला पॉइंट कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लोगों के कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर को सुधारना, ये आपका जो है पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, सार्क का उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उसका कल्याण करना और उसका जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा पॉइंट था दोस्तों दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लोगों का आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, एक आर्थिक एक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, यह आपका सार्क का दूसरा उद्देश्य था। सार्क का तीसरा उद्देश्य क्या था, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, यानी कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने इसी को बढ़ाना, यह आपका तीसरा उद्देश्य था सार्क का। चौथा उद्देश्य क्या था, एक दूसरे की समस्याओं को समझने तथा परस्पर विश्वास को प्रोत्साहन दे, ठीक है, तो ये आपका चौथा उद्देश्य था। पांचवा उद्देश्य क्या था, सहजे महत्व के मामले में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, तो ये आपका पांचवा उद्देश्य था। अब आगे हम लोग देखते हैं 1985 में ढाका में इसकी पहली बैठक हुई थी। आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सार्क की जो है सबसे पहली बैठक, ठीक है, पूछा जाता है वैसे, पूछा जाएगा क्या सार्क की जो सबसे पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी, तो बिल्कुल ढाका में हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है। तो 1985 में ढाका में इसकी पहली बैठक हुई थी। 1996 में सार्क के देश के बीच नेपाल भूटान व बांग्लादेश से अधिक निकट के संबंध स्थापित हुए, ठीक है, तो किसके बीच, एक नेपाल भूटान व बांग्लादेश से जो है अधिक निकट के संबंध, यानी कि एक प्रकार का रिलेशन स्थापित हुआ इन सभी देशों के बीच। 2004 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि सीमा पार आतंकवाद को रोका जाए। 2004 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, यानी कि फैसला लिया गया कि सीमा पार आतंकवाद को रोका जाए, ठीक है। फिर 2005 में 10 वर्षों को दरिद्रता निवारण दशक के रूप में मनाया जाए। 2006 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया, कब, 2006 में, ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य दोस्तों वो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं के आने जाने पर करों को कम करना था, यानी कि जो टैक्स था, जो एक दूसरे से दूसरे देश में जाने के बीच जो टैक्स था, वस्तुओं को ले जाने के बीच जो टैक्स था उसको कम किया जाए, तो ये आपका जो है 2006 में ये सारी चीजें लागू की गई, तो इसका मतलब उद्देश्य था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको दक्षिण एशिया के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में लिख देना है, बस आपको पूछा जाएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी है लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट है जितना कि इधर वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग समझते हैं क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से आराम से सिर्फ देखिए और आप दोस्तों आराम से क्वेश्चन को वहां पर लिख सकते हैं और आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे, यानी कि इसका जो उद्देश्य है उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है इसको समझते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि पूरे दुनिया में एक शांति को और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक मित्रतापूर्ण यानी कि पूरे देश के बीच एक दोस्ती वाला जो है जी हाँ भावना रहना चाहिए, यानी कि एक संबंध रहना चाहिए, इसका जो है विकास करना, डेवलप करना। तीसरा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मानव संबंधी समस्याओं को सुलझाना तथा मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताओं के लिए आपसी सहयोग निश्चित करना, ठीक है। चौथा उद्देश्य क्या था, टोटल आपको पांच पॉइंट ही लिखना है। चौथा उद्देश्य क्या था, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों में तालमेल स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक केंद्र के रूप में कार्य करना, यानी कि एक केंद्र, जैसे कि एक प्रधानमंत्री होता है तो सभी राज्य सभी मुख्यमंत्री उसके पास आते हैं या फिर उसके बात को सुनते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही आपका अंतरराष्ट्रीय है, यानी कि UNO है, ठीक है। आगे देखिए पांचवा पॉइंट, मानव अधिकारों में उद्देश्य से, मानव अधिकारों में उद्देश्य से सभी राष्ट्रों के अधिकारों को मान्यता देना, ठीक है। और छठा पॉइंट आपका, टोटल वैसे एग्जाम में आपको पांच ही पॉइंट लिखना है, सभी राष्ट्रों में सामाजिक प्रगति के लिए प्रयत्न करना। तो दोस्तों ये टोटल आपको छह पॉइंट लिखना है, किसके बारे में,
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। वैसे तो वो सभी WHO में आता है, लेकिन तब भी लिख सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ में जाती है, मुद्रा वगैरह जितने भी ऊपर नीचे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ में होती है, वर्ल्ड हेल्थ जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संघ से जुड़ा हुआ है, यूनियन से जुड़ा हुआ है, तो ये सभी उद्देश्य है उसका, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन को किया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के, ये सभी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद आपको उसको रिवाइज करना है, और प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करते प्लीज आप लोग लाइक करेंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम में, और ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो आप लोग वीडियो को या तो दोबारा देख लीजिए या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लिए हैं तो प्लीज आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से बहुत मजे के साथ तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो मच।